मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दो समुदायों के बीच जमीन विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। बुधवार रात दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम, तहसीलदार और कोतवाली थाने की गाड़ियों में तक तोड़फोड़ कर दी। इसके अलावा एक घर में आग भी लगाई गई। इसमें दो लोग घायल हो गए हैं। थोड़ी देर बाद पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि फिलहाल मामला नियंत्रण में है। सर, क्या हुआ था? ये करेड़ी गांव है, राजगढ़ से करीबन 12 से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में एक ज़मीन को लेकर विवाद है। उसी बात को लेकर जब मोहन वर्मा अपने घर से बाहर निकले थे तो दूसरे पक्ष के व्यक्ति अल्लाबेली और उसकी फैमिली ने उससे कुछ बातचीत में हॉट टॉक हो गई और उसी दौरान उसने अपनी ऑटो पार्ट्स की जो दुकान है वहाँ से एक शॉकअप जैसी चीज़ निकाल कर उसके सर पे मार दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुए। जो दोनों घायल हैं उनको अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों लोग अभी उपचाररत हैं और अभी उनकी स्थिति सामान्य है। उसी दौरान यहाँ पर कुछ जो भीड़ थी उन्होंने दो गाड़ियों को, एक वैन को और जो एक दुकान थी उसमें आगजनी कर दी थी। तत्काल ही कुछ देर और राजगढ़ से फायर ब्रिगेड आ गई थी जिसने आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। इसी दौरान जब पुलिस का अमला और प्रशासन का अमला पहुँचा तो कुछ लोगों ने जो असामाजिक तत्व है उनने उस पर पथराव किया, जिनको बल के प्रयोग के साथ तितर बितर कर दिया गया। भोपाल रेंज के आईजी इरशाद बली भी मौके पर पहुंच गए। गुना से एसएएफ और सीहोर से अतिरिक्त सुरक्षा बल राजगढ़ बुलाया गया। राजगढ़ से 15 किलोमीटर दूर करेड़ी गांव के रहने वाले अल्लाबेली और मोहन वर्मा के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम 6:30 पर मोहन किसी काम से राजगढ़ जा रहा था। वह घर से थोड़ी दूर ही पहुंचा था। इस दौरान अल्लाबेली के बेटे गोलू और असलम की नज़र मोहन पर पड़ गई। उन्होंने उसे रोका और बहस करने लगे। बहस के दौरान मारपीट होने लगी। दोनों ने मोहन के सिर पर लोहे की रॉड मार दी। इस वजह से मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने मोहन के घर पर सूचना दी तो उसका भाई हुक्म चंद्र वर्मा भी मौके पर पहुंच गया। इधर अल्लाबेली और उसके दोनों बेटे अन्य लोगों ने हुक्म के साथ भी मारपीट कर दी। इसके बाद हुक्म को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मारपीट देख मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने अल्लाबेली के घर में आग लगा दी। इसी के साथ आसपास खड़ी 2-3 बाइक और एक वैन के भी कांच फोड़े गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक टीमें पहुंची। हमले में खिलचीपुर एसडीएम पल्लवी वैद, राजगढ़ तहसीलदार और कोतवाली पुलिस की गाड़ी भी पथराव में क्षतिग्रस्त हुई है। इसके बाद राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा, कलेक्टर हर्ष दीक्षित, एसपी मन कामना प्रसाद समेत आसपास के थाने का भारी बल मौके पर पहुंचा। हालांकि कलेक्टर हर्ष दीक्षित कह रहे हैं कि अब मामला नियंत्रण में है। कितने लोगों को चोट आई सर? अभी 2 लोगों के, अभी वो स्वस्थ है, मतलब किसी। बहरहाल अब राजगढ़ के इस करेड़ी गांव में शांति है, लेकिन बीती रात जो हुआ वह कई दिनों तक याद रखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फिलहाल यहां पुलिस बल को तैनात रखा जाएगा और मामले की विस्तृत विवेचना की जाएगी। सर, पथराव भी हुए थे यहाँ पे कुछ? हाँ, कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव हुआ जिसमें हमारे जो एक पुलिसकर्मी है उनके पैर में चोट आई है, बट उनकी भी स्थिति अभी सामान्य है। अभी स्थिति सामान्य है, बिल्कुल। और अभी यहाँ पे पुलिस बल कब तक तैनात रहने वाला? अब यहाँ पर जब तक पूरी विवेचना नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर पुलिस बल तैनात रहेगा।